तो जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ये जो 4 मंथ है, तब हम कौन सी सीजन है वो फील करते हैं? रेनी सीजन। तो रेनी सीजन है वो जनरली जून मंथ से स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक रहती है, एंड सीन सितंबर सितंबर में एंड होती है, यानी जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के बीच में जो रेन है वो हम वी विल गेट द रेन। अब रेनी सीजन में क्या होता है? तो गर्मी लगती है, जबकि बारिश आती है तो क्या होता है, तो काले काले बादल है वो छा जाते हैं, सन है वो बादलों के पीछे छुप जाता है, इसलिए सन की जो किरणें हैं, सनलाइट है वो हम तक पहुंच नहीं पाती है और जो क्लाउड्स है उसमें से जो पानी होता है वो हम पर गिरता है। ओके, स्काई में सभी ओर क्या हो जाता है, डार्क डार्क क्लाउड्स हमें दिखने मिलते हैं और जो एटमॉस्फेयर है वो भी थोड़ा डार्क हो जाता है क्योंकि सनलाइट है वो नहीं मिलती है।
क्लीन कॉटन के क्लॉथ से वो पहनते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ ठंडा खाते हैं क्योंकि हमें बहुत ही हॉट फील होता है। उससे उल्टा विंटर में हम क्या करते हैं, बहुत ही कूल होता है, हम गरम गरम खाना खाते हैं, पहनते भी हम गरम कपड़े जो वार्म क्लॉथ्स होते हैं वही पहनते हैं। सो रेन से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए जैसे हम स्वेटर्स है, स्कार्फ है, सॉरी सॉक्स वो सब पहनते हैं, वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, रेन कोट्स पहनेंगे या तो फिर अम्ब्रेला यूज करेंगे, गम बूट्स यूज करेंगे, ये सारी चीजें हैं वो रेन से हमें प्रोटेक्शन देती है। ओके सो इतना लिख लो पहले अपने बुक में। अब रेन आ रहा हो और तो जो बच्चे हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको रेन में भीगना बहुत ही अच्छा लगता है, बारिश में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है ना। आप सभी को भी रेन है वो पसंद होता है, रेन में खेलना, रेन में नहाना, बहुत ही मस्ती करना, बहुत ही एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो द रोड्स आर फुल ऑफ वॉटर, सभी जगह पे क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। और आप सब लोग क्या करते हो, पेपर बोट बनाते हो है ना, तो स्मॉल पेपर बोट्स करते हो।
की बोट बना के जो पानी होता है उसमें हम सेल करवाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है ना। और वॉटर में वो क्या करने लगती है, तैरने लगती है। करने के लिए
सा रेनबो है वो हमें देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ कौन से सीजन में, रेनी सीजन में ही हमें रेनबो है वो देखने को मिलता है। ओके, सो वी सी द रेनबो इन द स्काई। नेचर है, रेन आने की वजह से आप देखोगे तो सभी जगह पे ग्रीनरी छा जाएगी, यानी ग्रीन ग्रीन ग्रास है वो ग्रो होगा, जिसकी वजह से जैसे पूरी आप धरती पे अर्थ पे देखो तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है और वो जो नेचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हमें दिखता है, है ना। बियर्स अ ब्यूटीफुल लुक, उसका जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। I like the rainy season most, मुझे rainy season बहुत ही पसंद है। rainy season में भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, सभी जगह पे पानी भरा हुआ होता है तो कहीं पे आओ या जाओ तो भी हमें बहुत ही केयर लेनी पड़ती है। इसके सिवा जब सभी जगह पे पानी भर जाएगा तो उसकी वजह से मॉस्किटो और दूसरे इंसेक्ट्स भी हमें बहुत ही दिखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें हमारा जो सिकनेस है वो बढ़ जाती है, मीन्स की बीमारियां है वो बढ़ जाती है, फ्लू सर्दी खांसी ऐसा ही जो सीजन है उसमें बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और बहुत ही ज्यादा हम बारिश में भीगेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, है ना, फ्लू हो जाता है। सो हमें बहुत ही केयर भी लेनी पड़ती है इस सीजन में। तो यहाँ पे ये जो रेनी सीजन है जो ऐसे है वो कंप्लीट होता है, ऐसे सभी आपको अलग से ऐसे नोटबुक में लिखना है जो आपको ऑलरेडी पता ही है, और कैसे लिखना है गुड हैंड राइटिंग में विथ पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। ओके, सो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो राइट दिस कैलिग्राफ कॉन्स्टेंटली।